एक तरफ जहां हरियाणा सरकार सरकारी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम करने के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में कर्मचारियों की काली करतूत सामने आई है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल के दो कर्मचारियों को मरीजों से जांच के नाम पर पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये दोनों कर्मचारी अस्पताल की लैब में बतौर टेक्नीशियन काम किया करते थे। गिरफ्तारी के दौरान इन कर्मचारियों ने भागने का भी प्रयास किया था, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दबोच लिया। फिलहाल टीम ने आरोपियों द्वारा मरीजों से लिए गए पैसे भी रिकवर कर लिए हैं और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा आज यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, जिसमें पाया गया कि किसी मरीज से इन्होंने टेस्ट के लिए पहले यहाँ पर करवाया, उसके बाद बोले जी बाहर से कर देंगे, और चेकिंग के दौरान पाया गया जी इसमें यहाँ पर चार किट मौजूद भी हैं, लेकिन फिर भी मरीज को बाहर के लिए रेफरेंस किया गया। मरीज से 400 रुपये 500 रुपये लिए गए जो कि इनके पास मिले यहाँ पर मौजूद। स्टाफ की ओर से रीजन बताया गया जी, हमारे पास जो मशीन है वो फिलहाल खराब है, वाटर है, हाँ वाटर पानी नहीं है उसमें, उसकी वजह से ये जो टेस्ट था वो हमने कर रहे। क्या जी कितने लोग शामिल है सर इसमें? देखो नाम तो दोनों का ही है, एक ये कोई लैब टेक्नीशियन बताया गया है, कोई स्वीपर है, दोनों के नाम हम। कितने दिन से थे सर ये? हाँ जी कितने दिन से लगे हुए थे सर कमीशन? ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें तो आज ही रिपोर्ट मिली थी, हमने आज देखी। आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? आगे हमने लिख के विभागीय कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगी विभागीय कार्रवाई होगी, इनकी हमने लिख के ऊपर दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। बहरहाल अब दोनों आरोपियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बिना पर अस्पताल के कई अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। चरखी दादरी से पुनीत चौहान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।